Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Daniel Mark from Skinnera here with this wonderful gardening video. तो आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल. तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ ये है एक बहुत ही ख़ास वीडियो, क्योंकि ये है एक रिव्यू वीडियो. और ये जो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है एक बहुत ही खूबसूरत बोगनविलिया का फ्लावरिंग प्लांट. और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके ऊपर 15 दिन पहले कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र तैयार किया था. और वो जो फर्टिलाइज़र था वो था एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. और वो फर्टिलाइज़र मैंने बनाना भी आप लोगों को सिखाया था कि हम कैसे वो फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं. और उस फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर अब नए नए फ्लावर जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं. और देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत जो है एक बंच सामने आया है फ्लावर्स का, और कितने ही ब्यूटीफुल कलर है इसके. और ये है बोगनविलिया बारबरा, और ये है हाइब्रिड बोगनविलिया. और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्स में निकल के सामने आते हैं, और मल्टीपल पेटल्स इसके होते हैं. और कलर देखिए आप कितना ही अट्रैक्टिव है और कितना ही खूबसूरत कलर है इस फ्लावर का. और यू गाइस कैन सी ये जो प्लांट है ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. और बोगनविलिया होता है एक बहुत ही हार्डी प्लांट, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर आजकल चल रहा है. और टेम्परेचर है वो 45-47 डिग्री तक पहुंच चुका है. और इवन देन ये जो प्लांट है कितनी ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है. और इसके अंदर डाली थी मैंने वो स्पेशल फर्टिलाइज़र, और वो जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने आपको बनाने सिखाई थी मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखिए. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने है एक बहुत ही खूबसूरत बोगनविलिया फ्लावरिंग प्लांट. और जैसे कि मैंने बताया कि इसके ऊपर जो 15 डेज पहले कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो बाद में मैंने इसके अंदर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो फर्टिलाइज़र डाला था, तो वो फर्टिलाइज़र था एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. तो वो फर्टिलाइज़र वो किस चीज़ से बनाया था वो मैं अभी आपको बताता हूँ. यू गाइस कैन सी दिस इज़ द ड्राई काव डंग. ये है ड्राई काव डंग, जिसको हम ओपले बोलते हैं, पता नहीं मुझे आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बट ये जो है ये चलाने के काम आता है. तो ये जैसे हम इसके साथ जो आग चलाते हैं, तो ये वाला मैंने लिया था, तो इसका हम मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था. ये जो ओपले होते हैं इनको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के तो इसको हम डिप कर देते हैं एटलीस्ट फॉर 3-4 डेज. तो 3-4 डेज़ के बाद जो है इनका जो लिक्विड जो बनता है वो जो लिक्विड है वो होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र. तो उसका जो कलर है वो हो जाता है डार्क ब्लैक कलर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. वो देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे चाय पत्ती का पानी होता है, बट वो इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे काला कुछ काली चीज़ है. बट वो जो पानी होता है वो इन ओपलों में से निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. तो वो जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है बनके लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो मैंने इसमें डाला था. तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ यू गाइस कैन आल्सो यूज़ दैट फर्टिलाइज़र. अगर आपके प्लांट्स में भी कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, नॉट इवन बोगनविलिया, अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, तो यू गाइस कैन यूज़ दैट फर्टिलाइज़र. तो आप लोग वो किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. अगर आप लोगों के घर में भी हैं कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही, तो यू गाइस कैन आल्सो यूज़ दिस फर्टिलाइज़र. और ये एक 100% रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र है. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अपने घर में ये फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं, तो आपको भी ऐसे ही फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिलेगी. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इन प्लांट्स को ऐसे देखकर कि इनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो ये सारा जो क्रेडिट है ये जाता है इस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना ही खूबसूरत कलर है इस फ्लावरिंग प्लांट के, जो नए फ्लावर्स निकल के सामने आए हैं, और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इसके लिए मैंने जो प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइज़र बना के डाला था, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे 100% मिल चुका है. तो आप लोग भी देखिए कितना खूबसूरत रिज़ल्ट सामने आया है. तो ये है ड्राई काव डंग, और इसको आप 3-4 टुकड़ों में काट के, तो यू गाइस कैन डिप इट एटलीस्ट फॉर
2-3 डेज़ के लिए इसको डिप करके रखें, और जो पानी जो इनका निकलता है इनमें से, तो वो जो पानी होता है उसको आपने इन प्लांट्स के अंदर डालना है। तो उसके बाद आप एटलीस्ट यू वेट फॉर 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते के लिए वेट कीजिए, तो बाद में जो है नए नए फ्लावर्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, उनकी वजह से इनके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाती। तो अगर आप लोग इनमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो जो फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो बाद में उनके ऊपर प्रॉपर जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो अगर जाती आप लोगों के घर में भी हैं ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो पाती, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फ्लावरिंग हो, तो आप लोग ज़रूर सीखिए कि फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को बनाने का जो तरीका है वो मेरी जो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने इनके अंदर जो फर्टिलाइज़र को बना के और डाल के बताया था, तो कैसे मैंने बनाया था वो सारा जो प्रोसेस है वो है उस वीडियो में, और वो जो वीडियो है वो मैंने 29 मई को अपलोड की थी। तो यू गैस कैन गो इन टू माई यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और साथ में आई बटन में भी वो मैं डाल दूंगा उसका जो लिंक है, तो यू गैस कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो। तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा कि कैसे हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं, और ये जो फर्टिलाइज़र है ये है 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमने बनाया था ड्राई काउडंग से, और यू गैस कैन सी दिस इज़ द ड्राई काउडंग, और इससे हमने वो फर्टिलाइज़र जो है वो बना के इस बॉगनविलिया के प्लांट के अंदर डाला था। तो इसके ऊपर देखिए कितनी ही खूबसूरती से जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे ही जो फ्लावरिंग आपके प्लांट्स के अंदर भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये हर एक प्लांट के लिए है, नॉट इवन फॉर बॉगनविलिया, यू गैस कैन यूज़ दिस फर्टिलाइज़र इन एवरी प्लांट, तो हर एक प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।